जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका प्राचीन धर्म ज्ञान चैनल में। दोस्तों, इस साल गणपति बप्पा का आगमन कई शुभ योग लेकर आ रहा है और ऐसे में तीन राशि वाले जातक ऐसे होंगे जिनके ऊपर गणपति बप्पा अपनी विशेष कृपा दृष्टि बरसाएंगे और उनकी किस्मत को चमका देंगे, उनको माला माल कर देंगे। जय श्री श्याम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, गणेश जी का जन्मोत्सव गणेश चतुर्थी 19 सितंबर 2023 से शुरू होकर 28 सितंबर 2023 तक चलेगी और गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और इस साल गणेश चतुर्थी के ऊपर कई शुभ योग भी बन रहे हैं। हर साल भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि को गणपति बप्पा का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ पूरे देश में मनाया जाता है। वैसे तो गणपति भगवान प्रथम पूज्य देव हैं। कोई भी पूजा हो तो गणपति की पूजा सबसे पहले शुरू करके उसके बाद ही दूसरी पूजा शुरू होती है, लेकिन इन 10 दिनों में गणपति भगवान की विशेष पूजा आराधना की जाती है। गणेश जी की मूर्ति लाकर अपने घर में स्थापित की जाती है तो इन 10 दिनों में गणपति बप्पा को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा आराधना करती है और भगवान गणपति भी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं, उनके सभी विघ्न बाधाओं को हर लेते हैं। लेकिन इस साल तीन राशियां ऐसी होंगी जिनके ऊपर गणपति बप्पा अपनी विशेष कृपा बरसाएंगे और उनकी किस्मत को चमका देंगे। तो कौन सी हैं ये तीन राशियां, ये मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट में लिख दें गणपति बप्पा मोरिया। तो गणेश जी भगवान आपके सभी दुख दर्द पीड़ाओं को हर लेंगे और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कौन सी हैं वो सौभाग्यशाली तीन राशियां जिनके ऊपर गणपति बप्पा अपनी कृपा दृष्टि बरसाने वाले हैं और उनकी किस्मत को चमकाने वाले हैं। और इस साल गणेश चतुर्थी के दिन तीन शुभ योग बन रहे हैं, ब्रह्म योग, शुक्ल योग और शुभ योग। ऐसा 300 सालों में एक बार देखने को मिलता है और इसके साथ ही विशाखा नक्षत्र और स्वाति नक्षत्र का भी योग बन रहा है। तो इन शुभ योगों में गणेश जी की मूर्ति को अपने घर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है और उनकी स्थापना करके उनकी पूजा करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। और इस साल 19 सितंबर 2023 को 10:50 से लेकर 12:52 तक मूर्ति स्थापना का शुभ योग है। और दूसरा अति शुभ योग जो बहुत ही शुभ योग है, 12:56 से लेकर 2:52 तक रहेगा। तो इन शुभ मुहूर्त में आप गणेश जी की मूर्ति स्थापना अवश्य कर लें। तो चलिए अब आपको बताते हैं कौन सी हैं वो राशियां। तो सबसे पहले आती है मेष राशि। तो मेष राशि वालों के ऊपर गणपति बप्पा अपनी विशेष कृपा दृष्टि रखने वाले हैं। तो इस समय में आपके रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है और आपके ऊपर सुख समृद्धि की बरसात होगी। और यदि आप प्रॉपर्टी में निवेश की सोच रहे हैं तो गणेश जन्मोत्सव का ये समय आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। इस समय में आप प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। और अब बात करते हैं दूसरी राशि कौन सी है, जो कि मिथुन राशि के जातकों के ऊपर गणपति बप्पा का आगमन बहुत ही शुभ समाचारों को लेकर आ सकता है। आपको अपार धन प्राप्त होने की संभावना है क्योंकि गणपति बप्पा की आपके ऊपर विशेष कृपा दृष्टि बनी हुई है और नौकरी और व्यवसाय वालों को भी दोगुना लाभ प्राप्त होने की संभावना है। और अब बात करते हैं तीसरी राशि, जो कि मकर राशि के जातक हैं, जिनके ऊपर बप्पा अपनी विशेष कृपा बरसाएंगे। इस समय में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और साथ ही नौकरी और व्यवसाय में आ रही दिक्कतें भी दूर हो जाएंगी और आय के साधन बढ़ेंगे, जिससे कि घर में चल रहे पैसों की तंगी भी दूर हो जाएगी। तो ये थी गणेश जन्मोत्सव कब है और इस साल गणपति बप्पा किसको माला माल करेंगे, कौन सी हैं वो सौभाग्यशाली राशियां, उसकी संपूर्ण जानकारी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर दें और ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।